तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शुद्ध गढ़वाल फ्रॉम शुद्ध उत्तराखंड। और इन शुद्ध शुद्ध पहाड़ों के बीच में दोस्तों आपके साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं। तो दोस्तों आज मौसम, सुबह से मौसम ख़राब हो रखा है, एकदम बादल गरज रहे हैं, पूरी धुंध हो रखी है। और दोस्तों सुबह से बारिश, बिजली कड़क रही है सुबह से। तो दोस्तों मैं भी जस्ट बिस्तर से उठ के अभी निकला हूँ बाहर, सुबह से कुछ काम धाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मम्मी तो आज भैंस के लिए घास भी नहीं लेके आई, तो आज पता नहीं भैंस आज भूखा रहने वाला जहाँ तक मुझे उम्मीद है। पर अभी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हमारे पहाड़ों की दोस्तों दिनचर्या ऐसी ही है। तो अभी दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं पूरी धुंध हो रही है। अभी कैमरे में आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बोर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा अंधेरा हो चुका है। और ये मुर्गियाँ भी चली गई दूसरों के खेत में, गाली पड़ने वाली है आज। साल दिन भर चारा हमारे घर पे खाएंगे फिर चले जाएंगे उधर, शर्म करा रखी है उन्होंने यार। तो अभी मेरा बेटा लगा हुआ है टेप रिकॉर्डर के साथ। ये दोस्तों कौन से ज़माने का टेप है मुझे आप बताओगे, कौन से ज़माने का रेडियो है। मेरे नाना का टेप है दोस्तों, मेरे नाना तो रहे नहीं, ये टेप रिकॉर्डर यहीं पे छोड़ गए। और दोस्तों ये है आरती बैठी हुई अभी सानवी के साथ। गुड इवनिंग सानवी, गुड इवनिंग, क्या कर रहे हो, उठ गए आप, उठ गए सानवी, चाय पी रहे हो, यहाँ मेरी की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखो पूरे बादल काले हो रखे हैं, ऊपर बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, आसमान आपको कहीं नहीं दिखेगा, कहीं पर भी नहीं दिखेगा। इतनी बारिश हो रही है सुबह से, इतनी बारिश, लगातार बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, हालत तो ख़राब होगी। बाहर तो निकलने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें। तो अभी मैंने मुर्गियाँ भी खोल दी हैं। अभी ये जो मैंने हरा चारा काट रखा है मुर्गियों के लिए, इसको अमेल्डा बोलते हैं, अमेल्डा। तो अभी भैंस हो रखी है यहाँ पर खड़ी, भैंस को भी ठंड लग रही होगी, ठंड लग रही है क्या हैं। अच्छा कोई बात नहीं, शाम को दूध चाहिए दवा के। तो अभी पायल के यहाँ चलते हैं, पायल क्या कर रही है देखते हैं अभी। अरे चाची, अरे सबके सब खड़े उठ गए, तुम्हारा क्या ड्रामा है ये। अरे लाइट नहीं चल रही क्या? अरे पूरा अंधेरा हो रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कशिश क्या कर रही है लैपटॉप इसमें, टैबलेट में क्या कर रही है? हैं, अच्छा वोबरा की है ये, अच्छा बीच वाली है। तो दोस्तों चाची की यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रखी, लाइट खराब हो रखी है। ये है हमारी पायल बहन। कैसा गया पेपर? मस्त एकदम, मस्त गया, पूरी काली काली दिख रही है कैमरे पे। कोई बात नहीं। तो अभी ऐसे लेटे हुए चाय चुए की चुस्किया भी नहीं ली होंगी आपने? नहीं, 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 नहीं। तो पायल खड़ी उड़ ले चाय बना ले चाची के लिए। क्यों पता नहीं, इसके दिमाग खराब हो गए। ये तो कसम से बिल्कुल कुछ काम नहीं करती है, सबसे अच्छी मुझे लगती है कशिश, बस तेरी कुखड़ी आ रखी भैया यहां देख कहां पे ये। अरे देख। अरे इन कुखड़ियों का मुर्दा मरेगा, कुरच चा 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 चास। इन मुर्गियों ने भी परेशान कर रखा है यार। तो वो दोस्तों सामने दिख रही है मेरी बीवी, अभी वहां पे देख रही हूं जहां पे मेरे ठीक उंगली जा रखी है, वहां पे मेरी बीवी दिख रही है। आपको अभी साफ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी कोहरा हो रखा है। तो दोस्तों बारिश कितनी भयंकर हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम में, कैमरे में आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। और फाइनली दोस्तों ओले पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, और मम्मी लेके आ गई भीमल। बड़ी मुश्किल से मम्मी भीमल लेके आई है, मुझे तो पता ही नहीं चला मम्मी कब गई जंगल में। मम्मी भीमल लेके आ गए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, कब गए आप। ये बारिश ने क्या कर दिया, मेरी समझ में बात नहीं आ रही यार। अरे वो तो अच्छा हुआ, सही सही जब देखो ना बारिश कैसे हो रही है, कितनी भयंकर बारिश हो रही है। ओ गॉड यार, ये मौसम ने क्या कर दिया यार, मत ही पूछो कहीं से यार। ओहो चलो मम्मी ऊपर चले, ऊपर चले, मम्मी मैं कह रहा हूँ ऊपर चले, चलो ना चाय जी बना दे, चाय पीते मस्त करके है। अच्छा तो फाइनली दोस्तों बारिश फिर से आ चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त, जैसे मौसम देख सकते हो, बिजली की आवाज़ें भी शायद आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखो दोस्तों मौसम यहाँ। तो मैंने मुर्गियों में भी अंदर ही चारा डाल दिया, तो मुर्गियाँ भी अंदर ही चुंग रही हैं आज। आज मुर्गियों का भी व्रत हो गया, बाहर तो निकाल नहीं पाया, तो फिर भीग जाते, फिर बीमार पड़ जाते, फिर मर जाते ये। अरे यार इस मौसम ने इन्हें भी ना, अरे आरती क्या करवा दिया,
अरे बाहर मौसम देख रहे कितनी बुरी हालत हो रही है, तभी तो बोल रही है सर्दी जुकाम मेरे जैसे कितना जुकाम लग रखा। अभी गुप्पी भाई से दवाई मंगवा रखी है मैंने 150 की। तुझे जुकाम लग रखा है, मम्मी के बारे में सोच, मम्मी कब गई और कब घास लेके आई भैंस के लिए। अगर आज भैंस के लिए घास नहीं होता ना, मम्मी बहुत स्ट्रांग है, तो तुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो मम्मी ने सारे जितना भी हमारा मकान बना, तुझे तो तू भूल गया होगा, मम्मी ने ही सारे पत्थर मतलब सर में लाई मम्मी, तब जाके ऐसा करके हमें पाला है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ ले गई यार बात ये। तो भाई साहब इस मौसम ने ना लिटरली इतना दिमाग खराब कर दिया है, कुछ भी काम नहीं करने दे रहा, सभी घरों में बैठे हुए कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो फाइनली जो मेन काम था वो मम्मी ने निपटा दिया है। मेन क्या था कि मम्मी भैंस के लिए घास लेके आना, भीमल लेके आना, अगर बिना भीमल के वो दूध बिल्कुल भी नहीं देता गाइस। तो मम्मी तो कैसे करके घास लेके आ गई, मम्मी थैंक यू सो मच, ठीक है भैंस के लिए घास लाने के लिए, ठीक है। तो शाम को फिर सियाणी हो जाती दूध की। तो राहुल और अंकित भी आ रहे थे गौशाला से यहाँ ऊपर को घर को आ रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया भाई अभी मत आओ क्योंकि मौसम कभी बदल सकता है, कल को आ जाना अगर कल मौसम सही रहेगा, आज आना सही भी नहीं था क्योंकि दोस्तों धुंध भी हो रही है और शेर बाघ जैसे भालू का खतरा भी है। तो मैंने सीधा मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आना, कल आ जाना कोई बात नहीं है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, अपनी सुरक्षा है, उसके बाद और कुछ काम है। रेयाज क्या कर रहे हो बेटा, देखो कितनी गंद मचा रखी है इसने यार, ये सबसे ज्यादा गंदगी मचाता है यहाँ पे। रेयाज आपने गंदगी मचा रखी है, ठीक है तो हमें आने दो, बहुत बिगड़ गया ये। आप कुछ कहना चाहते हो बेटा या? कुछ कहना चाहते हो आप बोलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, रेयाज लोहाक बोल दो ना ऋषुबल बिजा क्यूट है बल, लोहाक बोल दो ना ऋषुबल बहुत क्यूट है बल। अरे कुछ बन जाने तू हाँ। क्या है बिट्टू पारी बल। ये इसको कहाँ से आ गया भाई, अभी तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, कहाँ से आया आपके दिमाग में, क्या बोला आपने, खड़े होके बोलो। बिट्टू पहाड़ी बोल रहा है, बिट्टू पहाड़ी बोल रहे हो ना, अच्छा। तो अभी सानवी के पापा का फोन आ रखा है, सानवी पापा से बात कर रहे हो, पापा को बोलो हेलो पापा, पापा से बात करो, पापा से बात करो, पापा से हाय टू पापा, नमस्ते करो, जय करो पापा को, जय करो वहाँ पापा को, जय करो पापा को, जय करो उधर पापा को, जय करो करो, जय करो पापा को करो करो, पापा का फोन आ रखा है ना, जय करो जय करो जय करो। आई मुझे ही देख रही है। तो फाइनली दोस्तों अभी चाय का आनंद लेते हैं, अभी संगीता ने 3 बार चाय बना दी है, तो क्या करें, चाय नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे फिर। क्या चाय बनाते हैं मेरी संगीता यार, गोली मूली गोली मूली गोली मूली गोली मूली गोली मूली गोली मूली ना। मामा ने आपको कल क्या दिया था, चीनी दी थी ना खाने के लिए, लड्डू भी दिए थे ना आज सुबह, लड्डू भी दिए थे ना मामा ने, और मामा ने आपको कल कुरकुरे भी दिए थे ना, अंगूर भी। चलो आओ मेरे पास, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 100 रुपये में यहाँ पैकेट, 5 रुपये वो। क्या बोल रही है तू, दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कल मुझे मिले 100 रुपये, हाँ बता। और भैया ने वो 100 रुपये मांग दिए थे मुझसे, और मैंने बोला इसके लिए 2 कुरकुरे पैकेट ले आना 10-10 वाले, पर ये नहीं लेके आया, इसलिए मुझे 100 रुपये में से 5 रुपये दिए, 5 रुपये वाला कुरकुरा लेके आया और उसी में मुझे बोला कि ये ले, हो गया तेरा। 100 रुपये किसके थे, वो मेरे थे, वो कोई भरोसा थोड़ी ना है, झूठ बोला होगा क्या पता है ना। कुछ बोलना चाहते हो, मैं कुछ नहीं जानता। तो आज की सब्जी में जो संगीता बना रही है वो है पिंडालू की सब्जी, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अरवी। तो आज अरवी की सब्जी खाएंगे। मम्मी अरवी ठंडी होती है कि गर्म होती है, ठंडी होती है, ठंडी होती है, ठंड में ठंडी ठंडी चीज है, क्यों अच्छी लगती है, रोज एक ही सब्जी का मन नहीं। हाँ वो भी है, तो चलो कोई बात नहीं खा लेंगे, वैसे मुझे ठंड ज़्यादा हो रही है, मेरे को मेरे पेट में ना गैस की प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा है, चलो कोई बात नहीं एक दिन चलता है। तो फाइनली दोस्तों डिनर हो चुका है रेडी, अभी डिनर करते हैं, तो अभी दोस्तों डिनर करते हैं उसके बाद जाएंगे दोस्तों सीधा सोने के लिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब तक मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय टाटा नमस्ते। यार टाटा बोल दो, टाटा टाटा।
टाटा बोल दो सानवी, टाटा बोल दो, टाटा बोल दो, टाटा बोल दो, टाटा।